हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फास्टिंग के ऊपर। फास्टिंग जो कि ऑस्पिशियस डेज पे की जाती है या फिर काफी रिलीजन्स या बिलीफ सिस्टम्स के अंदर फास्टिंग किया जाता है। तो आजकल बहुत ही ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात होती है, जो कि 2016 के अंदर एक जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट को इस पे नोबेल प्राइज मिला था और उन्होंने ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया था। वॉट इज फास्टिंग? एक्चुअली फास्टिंग इज एवर्जन फ्रॉम फूड और रिफ्रेनमेंट फ्रॉम फूड, मतलब आप खाना नहीं खा रहे हैं उस टाइम पे। सो वॉट इज द सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आप खाना ना खाएं, उससे आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है? तो जब आप खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी में रिपेयरिंग होती है, बॉडी में रिपेयरिंग होती है तो रिसाइकल होते हैं, सेल्स रिन्यू होते हैं और उस वजह से आपके आप बहुत सारे क्रोनिक इलनेसेस हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनसे बच जाते हैं। ऑफकोर्स वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो फास्टिंग जो है वो किस तरह करनी चाहिए, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर एक रेशियो दे रखा है उन्होंने, एक्सप्लेन करा हुआ है कि आप 16:8 या कुछ ऐसे कुछ घंटे आपको फास्ट करना है, कुछ घंटे आपको खाना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। और कुछ घंटे जब आप खा रहे हैं और जब आप नहीं खा रहे हैं उसके अंदर ये डिफरेंस है कि जब आप नहीं खा रहे हैं उस टाइम पे बॉडी की रिपेयरिंग हो रही है, बॉडी में रिजुविनेशन हो रहा है। क्योंकि जब भी आप रात को सोते हैं दैट इज द रेस्टिंग फेज, उस टाइम पे आपको आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, रिजुविनेट करती है। तो अगर आप वो फेज नहीं देंगे अपनी बॉडी को तो बॉडी जो है कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज आपको इश्यूज आने लगेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो बहुत जरूरी है आपको बॉडी को रेस्टिंग फेज देना जिसमें आपकी बॉडी की रिपेयरिंग होगी, क्योंकि बॉडी में जो प्राण शक्ति है वो धीरे धीरे अपने आप ही चीजों को हील करती है। अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं भी तो उनको भी वो धीरे धीरे अपने आप ही हील करेगी, लेकिन हील करने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम मतलब आपको उसको फास्टिंग पीरियड देना पड़ेगा। जब आपकी बॉडी में कुछ नहीं होगा, मतलब आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली काम नहीं कर रही होगी, तो वो रिपेयरिंग के या दूसरे आपको आपकी बॉडी के अंदर रिजुविनेशन के प्रोसेसेस करेगी। तो जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एज सून एज आपने खाना जो है अपने मुंह में डाला तब से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है और डाइजेशन चलता रहता है। तो अगर बॉडी ऐसे ही काम करती रही तो आपकी बॉडी जो है एक ना एक दिन वीक हो जाएगी। तो जैसे कोई व्हीकल है या फिर कोई गाड़ी है, अगर उसमें ज्यादा अगर वो ज्यादा फ्यूल ले रही है तो वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी है, अगर हम बहुत ज्यादा फ्यूल मतलब यहाँ पे आप बहुत ज्यादा फूड खाना डाल रहे हैं अपनी बॉडी में, तो इवेंचुअली धीरे धीरे आपको कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स सी कि फास्टिंग जो है वो कैसे करना चाहिए और व्हाट इज द राइट वे। तो सबसे पहली बात जो फास्टिंग में वो है कि आपको जब आप फास्टिंग कर रहे हैं आपको समझना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दे रहे हैं, इसलिए हम फास्टिंग कर रहे हैं। तो जो खाना है वो बहुत लाइट होना चाहिए। सो अगर आप पूरे दिन में लाइट खाना खा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ फास्टिंग। अब जो दूसरी चीज है वो है गर्म पानी पीना। तो गर्म पानी अगर आप पी रहे हैं तो वो भी आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत सिंपलर फॉर्म है, जो लोग बहुत ज्यादा खाने से दूर नहीं रह सकते वो लोग एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि आप लाइट खाना खाएं और बीच बीच में गर्म पानी पीते रहें, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। या फिर आप अगर आप वेजिटेबल फास्टिंग कर रहे हैं तो आप फ्रूट वेजिटेबल जूसेस जो हैं वो आप थ्रू आउट द डे ले सकते हैं, या फ्रूट फास्टिंग कर रहे हैं तो पूरे दिन आपने फ्रूट्स लेने हैं, तो उससे क्या होगा कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा आपने लाइटर चीजें दी हैं, लाइट दिया है तो डाइजेशन भी जल्दी हो जाएगा और डाइजेशन जल्दी हो जाएगा तो बॉडी को टाइम मिलेगा।
अगर आप बहुत ज्यादा ग्रेन्स देते हैं, ग्रेन्स या कार्ब्स देते हैं, तो उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. जो भी अनाज है उनको 16 से 18 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो करीब करीब 3-4 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, इसलिए हम फास्टिंग कर रहे हैं. यू शुड नॉट थिंक कि फास्टिंग इज समथिंग जो कि एक बहुत ही मुश्किल चीज है. यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. आपकी बॉडी के हिसाब से आप फास्टिंग कर सकते हैं. आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ करती है, उसके बाद आपकी क्या एज है, एज के अकॉर्डिंग. इफ यू आर वेरी ओल्ड उस टाइम पे उस हिसाब से आप फास्टिंग करेंगे. और अगर आप किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से फास्टिंग करेंगे. इफ यू आर अ डायबिटिक और इफ यू हैव लो बीपी, तो आप पूरे दिन ऑफकोर्स आप भूखे नहीं रह सकते. आपको कुछ इस तरीके का तरीका चूज करना पड़ेगा कि जिसमें आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिले और आपके जो एलमेंट या फिर जो डिजीज से आप सफर कर रहे हैं उसमें भी आपको मदद मिले. उसके बाद आता है कि खाना जो है वो आपको कैसे खाना चाहिए. यूजुअली अगर आप जो मैं बता रही हूँ वैसे आप खाना खाएंगे तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग योर सिस्टम टू यू नो गेट रिपेयर्ड. तो सबसे पहली चीज़ है ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट जो है वो आपका हैवी होना चाहिए. उसके बाद जो लंच है नेक्स्ट हैवी थिंग होनी चाहिए. और फिर डिनर सबसे लाइट होना चाहिए. तो जो हम उल्टा कर रहे हैं आजकल, हम डिनर बहुत हैवी करके सो जाते हैं क्योंकि रात को हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होगी. इसलिए हम लोग अगर बहुत ज़्यादा खाना खा के सो जाएंगे तो हमारी जो हमारे प्रोसेसेस हैं जो रात को होने वाले हैं वो प्रॉपरली होंगे ही नहीं और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रात का खाना बहुत ही हल्का खाएं. खाने से सोने से करीब 3-4 घंटे पहले अपना खाना खा लें, मिनिमम 3 आवर्स. और बहुत जल्दी खा लें. आयुर्वेद में बहुत पहले से ही हमेशा से ये बताते हैं कि शाम को जल्दी खाना खा लेना चाहिए. शाम को इसलिए जल्दी खाना खाना चाहिए क्योंकि शाम को जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है. और अगर डाइजेस्टिव फायर स्लो है, उसमें आप बहुत ही हैवी मील्स ले रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएंगी. और जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगी बॉडी में. और टॉक्सिसिटी होगी, धीरे धीरे इंडाइजेशन होगा, दूसरी बीमारियां आपकी बॉडी में आ जाएंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रात की मील्स बहुत हल्के लें और जल्दी लें. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो खाने का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले आपको समझना चाहिए. उसके बाद यू कैन गो फॉर फास्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स, विच एवर सूट्स फॉर योर बॉडी. एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं. Fasting should not be done for people who are suffering from very severe diseases या फिर children, बच्चों को नहीं करना है. बच्चों को जितना खाना है उनको खाने देना चाहिए. But of course there should be a discipline and whatever I told about the breakfast, lunch and dinner concept, that should be followed by everybody. And if people who are suffering from some ailment, तो उनको भी हल्का ही खाना खाना चाहिए. बट देर शुड नॉट बी अ कम्प्लीट एवर्जन फ्रॉम फूड. मतलब कम्प्लीटली आपको खाना बंद नहीं करना चाहिए उस टाइम पे. आपको हल्के पे चले जाना चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फास्टिंग. इफ यू आर ईटिंग हैवी प्रोटीन्स और हैवी ग्रेन्स, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा. और ऑलरेडी अगर आप गैस्ट्राइटिस से सफर कर रहे हैं या फिर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए. बहुत ज्यादा हैवी ग्रेन्स नहीं खाने चाहिए या हैवी जो दालें हैं वो नहीं खानी चाहिए, जैसे उड़द, राजमा, चना. तो ये जब अगर आप हल्के या बहुत एक्सेसिव नॉनवेज अगर आप रात को खा के सोते हैं, सो दैट विल नॉट बी यू नो दैट विल नॉट गो विद योर बॉडी. सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग should be seen as from individual, because everybody is different. हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी की प्रकृति डिफरेंट है. तो आप उस हिसाब से फास्टिंग कर सकते हैं जिस हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो आपको अलाउ करती है. लेकिन सबको करना चाहिए.
आपको अपनी बॉडी को बहुत रेस्ट करना देना चाहिए. हमेशा खाते नहीं रहना चाहिए. एवरी टू आवर्स, एवरी वन आवर्स, इफ यू आर ईटिंग समथिंग, यू आर एक्चुअली पुटिंग योर बॉडी इनटू अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एंड जो एनर्जी आपके दूसरे कामों के लिए या आपके बॉडी के प्रोग्रेस के लिए यूज होनी चाहिए, वो हमेशा डाइजेशन के लिए यूज होती रहेगी. आपकी बॉडी हमेशा काम करती रहेगी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सम फ्रॉम दिस. एंड आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग, यू नो, इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. एंड इफ यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, दैट इज वॉट वी हैव एक्सप्लेन्ड you know, long, long years back, and what we explain in Ayurveda. So this is, you know, come again. So people are following it. It's a very good thing, and you should follow it with regard, you know, with seeing your body and your prakriti and what suits you, or and your age. So, but basically the concept is to eat less and to eat nutritious food at the same time. It's not that if you're eating less, you're eating something from out and you're daily eating it. No, it should be fresh, it should be nutritious, and it should be in small quantities. It should not be in very large quantities. And if you really want to eat a large meal, it should be in the breakfast or in the lunch. It shouldn't be in the dinner. रात को जो भी heavy अगर आप खा भी रहे हैं तो वो ब्रेकफास्ट और लंच में करिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाएगा प्रॉपरली. लेकिन अगर आप डिनर में उसी मील को खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. सो इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस कि आप अपना खाना शाम को जल्दी खा लें, तो आई बेट यू विल फील वेरी गुड एंड आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. और स्लोली स्लोली आपको काफी, आपको नींद भी अच्छी आएगी. कुछ दिन आपको थोड़ा टाइम टेबल से चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आफ्टर सम टाइम यू विल फील मच बेटर. यू विल फील सो मेनी प्रॉब्लम्स आर गोइंग एंड योर बॉडी विल फील मच लाइटर. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक एंड विल डिस्कस समथिंग एल्स. टिल देन बाय.